Yes, we are live. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ladies and gentlemen, the galaxy of music lovers, friends, pals, folks, royal highnesses, khawateen o hazrat, and to all of the lovely, 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 lovely people of Pakistan, Junaid Khan welcomes you all to your program Sur Safari with greetings. Assalamu alaikum, tabiat, mizaj, sehat. हालात और हालत में खुशी शामिल है या नहीं, दोस्तों हम कहते हैं कि खुशी हालात का नाम है या हालात का नाम नहीं है। जब किसी से हाल पूछा जाए तो कहते हैं कि हाँ मैं खुश हूँ, मैं राज़ी हूँ। राज़ी किसकी रज़ा पे हूँ ये एक और मामला है, लेकिन मैं खुश हूँ और खुश रहना चाहता हूँ, खुशियाँ बाँटना चाहता हूँ। तो खुशी हालात का नाम नहीं, हालत दिल का नाम है। ये हालत दिल आप पर कैसी तारी रहती है, और इस जवाब पे तारी होती है तो कितनी देर तक तारी रहती है, और इस हालत के लिए, इसको कायम रखने के लिए आप क्या करते हैं, इसका जिक्र हम म्यूज़िक की टर्मिनोलॉजी में जब करते हैं तो सुर सफारी पे कभी नशेब व फराज आते हैं, कभी अप्स एंड डाउन्स आते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि ज़िंदगी के नशेब व फराज में ऐसे लम्हात भी आते हैं कि जब इंसान कभी ज़मीन को देखता है, कभी आसमान को देखता है, इस दौरान, इस दरमियान में क्या है वो नहीं देख पाता, देखना चाहता अलबत्ता ज़रूर है। आप क्या देखना चाहते हैं, आपके लेंस से दुनिया कैसी है, इसके बारे में आप हमें बता सकते हैं हमारे तमाम तर उन चैनल्स के ज़रिए जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, कम्युनिकेशन मीडियम्स हैं। व्हाट्सएप का नंबर स्क्रीन पर विजिबल है, कुछ देर में मैं अनाउंस भी कर दूंगा। कॉल के ज़रिए भी होता है जिस पर आप कॉल करते हैं हमें, हमारे इंस्टाग्राम पर हैंडल पर आप हमें कॉमेंट करते हैं। ये तमाम तर ज़राए जो अबलाग के ज़राए हैं वो इसलिए होते हैं कि इट हैज़ टू बी टू वे कम्युनिकेशन। मोनोलॉग हो तो एक तरफ़ा रहती है, इश्क जब एक तरफ हो तो सज़ा देता है, दोनों तरफ हो तो मज़ा देता है। तो इश्क की अगर हम बात कर रहे हैं, म्यूज़िक की बात कर रहे हैं, इश्क जिक्र हम करते हैं इश्क में म्यूज़िक का, और म्यूज़िक में संगीत में इश्क का, सुर सफारी के इस प्रोग्राम में, जिस प्रोग्राम की टाइमिंग्स चेंज हो चुकी हैं। अब आप इसको देखते हैं मंडे को 8:30 बजे से 9:30 बजे तक के दौरानिया में, और हम सेलिब्रेट करते हैं किसी एक इंस्ट्रूमेंट को, और एक इंस्ट्रूमेंट प्लेयर को बुलाते हैं, और उसके लेंस से दुनिया को देखना चाहते हैं कि उसके लिए दुनिया कितनी रंगीन है और क्या क्या मिजाज रखती है। अच्छा, जहाँ पर ये हम बात करें तो वक्त का तायुन जब हम करते हैं और हम कहते हैं कि वक्त अच्छा है या बुरा है, वक्त गुजर चुका है या आने वाला है, तो वक्त की जो तीन सेगमेंट्स है ये हमने ही अपने जहन से इसको दे चुके हैं, हालांकि ये है अटल, ये है अटल। तो वक्त कैसा रहता है, कैसा नहीं रहता, और किस वक्त में क्या मिजाज रहता है इंसान का, इसी तरह से म्यूज़िक का भी मिजाज रहता है। जब हम कहते हैं कि ये जो राग है ये सुबह का राग है, ये रात का राग है, तो ये मिजाज म्यूज़िक में भी होता है, और मौसीकी में जो ये मिजाज है इंसान के मिजाज के बहुत करीब है। इंसान ने अपने मिजाज से मौसीकी के मुख्तलिफ आलात बनाए मिजाज आशनाई के लिए। वहाँ पर ये भी है कि जहाँ पर हम अपने प्रोग्राम में जिक्र करते हैं ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स का जो कि सिर्फ आवाज़ से मुंसलिक है, या जो सिर्फ बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसा म्यूज़िक जो कि हमें मैसर होता है मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स के ज़रिए कि जिसमें हवा का अमल दखल होता है, बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जिसमें ताल के लिए किसी चीज़ का ज़रब लगाना बहुत ज़रूरी होता है। इसी तरह से आज जिस इंस्ट्रूमेंट को हम सेलिब्रेट करने वाले हैं वो फिज़िक्स और फिजियोलॉजी से लिंक्ड है, कि जिसकी हिस्ट्री में हम ये जाना इंसान ने कि फिजियोलॉजी के एक प्रोफेसर साहब ने जब इस इंस्ट्रूमेंट को ईजाद किया, और उन्हें शायद ये ना सोचा था कि जब यूरोप से बरे सगीर के में जाएगा, ट्रेवल करेगा, तो इसकी शेप किस तरह से चेंज हो जाएगी, कभी ये पेटी की शक्ल में नज़र आएगा, कभी ये सफ़र में नज़र आएगा, तो कभी ये मुख्तलिफ शेप में नज़र तो आएगा, लेकिन इसको बजाने के लिए जो इंसान का तरीक़ेकार है, जो फिज़िक्स है और जो फिजियोलॉजी है, वो किस तरह से चेंज होगी। थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन आपको इसलिए दिया क्योंकि इसका ताल्लुक हमारे आज के मेहमान के साथ भी है कि वो फिज़िकल चैलेंजेस के साथ इस इंस्ट्रूमेंट को किस तरह से सब्जेक्ट और फिजियोलॉजी को कैसे सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में, आज का जो सेगमेंट है साज कहानी, इस कहानी को आपने और मैंने सुनना समझना भी है, ताकि इस कहानी जानेंगे तो फिर वापस जब आएंगे तो इस इंस्ट्रूमेंट से बहुत ज़्यादा लुत्फानंदोज़ होंगे। साज कहानी सेगमेंट पे शख़िदमत, वेलकम बैक कहने वाली आवाज़, जुनैद खान की साज कहानी सेगमेंट जब आप देख रहे थे, और मैं ये बाहर जब मैं आप सेगमेंट तो मैं देख ही रहा था, जब मैंने बाहर चाती मारी तो मुझे नज़र आया कि जनाब थोड़ा सा अंधेरा हो चुका है। तो बलदा सूरज की कहता है, बलदा सूरज कहता है कि है कोई मेरे वर्गा, निक्का जे एक दीवा बोलिया शाम पई ते वेखांगे।
हालात की बात कर रहे हैं, हालत दिल की बात कर रहे हैं और हालत को वक्त से जोड़ रहे थे हम। और वक्त ने जब ट्रेवल किया फिजियोलॉजी से लेकर आज हारमोनियम की ये शक्ल जो सांस कहानी में आपने देखी। हालत की जब बात कर रहे हैं तो दोस्तों हालत में एक वो भी हालत है कि जिसमें नॉर्मली हमसे ये पूछा नहीं जाता कि भाई जी कैसे रहे हो, या वो फलाना शख्स कैसे जी रहा है, यानी कि वो अपने हाल को कैसे बिता रहा है। ये ज़रूर हम पूछ लेते हैं कि जो फलाना शख्स अब हम में नहीं रहा वो क्या करता था और वो कैसे मरा। हाल का सवाल नहीं होता, हाल का सवाल करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। और हाल को कायम रखने के लिए हारमोनियम हमें किस तरह से संगत देता है, इसके लिए हमारे आज के गेस्ट मौजूद है। क्या गेस्ट के पैकेज है या मैं गेस्ट की तरफ जा सकता हूं? बिल्कुल सही है। तो आज चूंकि मैंने बात की हाल की और आज के हाल में हमारे पास जो हमारे प्यारे मेहमान बैठे हैं उनका तारुफ तो मैं ज़रूर करवाऊंगा, लेकिन उनको मुखातिब करने के लिए उनका मुकम्मल नाम जानने से पहले उनका जो प्यारा नाम, वो कहते हैं मुझे प्यार से सब लोग मानी कहते हैं, तो मैं उनको मानी कह के मुखातिब करूंगा। वी हैव विद अस मानी साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। मानी साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मानी साहब मुकम्मल नाम आपका नौमान जी, नौमान मिर्जा। नौमान मिर्जा मानी साहब, क्या बात, क्या बात। मानी साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? बहुत शुक्रिया। मैं जैसे हमारी पहली मुलाकात हुई अभी कुछ देर कबल और वो कई मुलाकातों में तब्दील होती जा रही है, क्योंकि इसी हाल में मुख्तलिफ मुलाकातें इसलिए हो रही है कि मैं आपके मुख्तलिफ रूप देख रहा हूँ। जहाँ पर मैं ये भी देख रहा हूँ कि इस इंस्ट्रूमेंट के साथ आपकी संगत है, वहाँ पर मैं ये भी देख रहा हूँ कि जिंदगी में बहुत प्यार से आप जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। जी जी ऐसा ही है जी, जी, जी तो आपको लोग प्यार से ही मानी करते हैं, तो जो कोई ऐसा आज तक मिला आपको जो प्यार से मानी नहीं कहता था, कुछ और कहता था? नहीं मानी कहते हैं, मानी कहते हैं जी। वैसे मेरा नाम मुकम्मल जो है नौमान मिर्जा। नौमान मिर्जा है, बिल्कुल सही। तो ये बताइए नौमान साहब के कहाँ पैदाइश हुई आपकी, कहाँ के रहने वाले हैं, थोड़ा सा हमें बताइएगा। जी पैदाइश रावलपिंडी की है। रावलपिंडी की है, ठीक है जी। और वैसे बिलोंग जो है वो चित्राल से, बुजुर्ग चित्राल से करते हैं। चित्राल में कहां से जी? वो डोंट नो। अच्छा, कभी गए नहीं आपका? नहीं, नहीं, जी, जी। अरे वाह वाह, क्या बात, क्या बात। इसी तरह से ये हारमोनियम भी हम सांस कहानी में देख रहे थे कि बिलोंग तो शायद कहीं और से करता है, लेकिन आज कहां पर मौजूद है इसको खुद भी मालूम नहीं। जी, जी, जी। लेकिन इसने साज को बसाया हुआ है, हाल को बसाया हुआ है, रचाव किया हुआ है। जी जी। रचाव क्या होता है जी? रचाओ जो है वो तासुर से रिलेटेड है। तासुर से रिलेटेड है, अच्छा जी। उसका असर रह जाना रचाओ के, ये एजाज है उसने आवारगी का, जहाँ भी गए दास्तां छोड़ा है। अरे वाह वाह। तो जो है दास्तां जो है उसको आप रचाओ कह सकते हैं। क्या बात, क्या बात है। ये रचाओ किस किन किन आर्टिस्ट के साथ, कितने बड़े बड़े फनकारों के साथ आपने रचाओ आज तक बनाया, किन के साथ प्ले किया आपने? जी मैंने काफ़ी गुलाम अली खान साहब के साथ भी इत्तेफाक हुआ है। ठीक है। अब्दुल सितार तारी साहब हैं, तबला प्लेयर। बिल्कुल बिल्कुल, उनको कौन नहीं जानता जी। इजाज़ हुसैन जजी साहब हैं, जी साहब के साथ। अल्लाह जन्नत सेब करे, अजमल खान साहब जी जी, उनके साथ भी इत्तेफाक हुआ है। अच्छा। ताफो साहब के साथ भी बड़ा प्यार है, वो प्यार करते हैं बड़ा। अच्छा, अरे वाह वाह, ये तो बहुत बड़े लोग हैं। जी जी। और हम जैसे मुझे जैसा छोटा सा आर्टिस्ट तो इन लोगों को ऐसे देखते हैं जैसे हम सूरज की तरफ देखते हैं, इसलिए मेरे तो इल्म में है, लेकिन जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं उनमें से जो म्यूजिक के साथ लिंक है वो बखूबी जानते हैं। उनको आपसे इल्तमास है कि चूंकि प्रोग्राम का आगाज हुआ है, वक्त हमारे पास ऐसा ही, गुफ्तगू भी चलेगी, बहुत सारी बातें होंगी, हाल में हम रचाओ मजीद डालेंगे, लेकिन चूंकि आपने आगाज किया है और इब्तदा जो है वो रब कायनात की तरफ से अगर हम करें तो वो कितना बेहतर रहेगा, अगर खान साहब नुसरत फतेह अली खान साहब की कोई मैं अगर रिक्वेस्ट करूं कि आगाज़ में कोई उनकी कवाली की कोई शक्ल अगर आप दिखाना चाहें। चलें बेहतर है, मैं उनकी एक कवाली आपको। अरे वाह वाह। Thank you.
क्या बात है मानी साहब, क्या बात है। और इतना ज़बरदस्त कलाम, हम यकीन मानते हैं कि अल्लाह हमारे हर हाल, चूँकि हाल की बात कर रहे हैं, अल्लाह हमारे हालात और हाल को बेहतर कर देगा। और यकीन जानिए साथियों कि अगर बेहतर आपको ना लगे तो वो बेहतर से बेहतरीन ज़रूर कर देगा। तो जनाब, इस आपने क्या ज़बरदस्त अंदाज में, चूँकि हारमोनियम में दोस्तों आपके लिए जो वो मेरे दोस्त जो कि शायद इसको उस तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि जब गिटार प्ले होता है डिस्टॉर्शन के साथ तो आप एक्सेप्ट कर लेते हैं कि उसमें वोकलिस्ट ना भी हो, लेकिन जब हारमोनियम रचाओ अपना डालता है, यकीन जानिए इतना ज़बरदस्त मज़ा है। यहाँ पे साउंड सिस्टम नहीं है लेकिन फिर भी हम इतना लुत्फ ले रहे हैं। जब ये आपने आगाज़ लिया मानी भाई, तो जो जो बिल्कुल इंट्रो था वो ज़रा स्केल दी, वो उस पर हमें वो उस पर रखिए, किस तरह से शुरू किया था आपने? तो ये वो पार्ट है दोस्तों के जहाँ पर आप नॉर्मली देखते हैं, ये वो पार्ट है जहाँ पर सिंगर्स जो हैं आगाज़ में, जिसमें नॉर्मली लेमैन लैंग्वेज में दोहरा गाते हैं, या एक ऐसा पार्ट जहाँ पे इंट्रोडक्शन देते हैं, जो हारमोनियम प्लेयर है वो राग का इंट्रोडक्शन देते हैं। तेरे ही नाम से हर इब्तिदा है, तेरे हर इंतहा है, तेरा रहमो करम अल्हम्दुलिल्लाह के तू मेरे मुहम्मद का खुदा जमी जब न थी, ये जहां जब न था। तो साथियों यहाँ पे आपने देखा, मैं तो एक बहुत ही चीज़ सा मानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं माई अपोलॉजीज, वी हैव अ कॉलर विद अस, लेकिन मैं कोशिश कर रहा था कि एक मिजाज बने, लोगों को समझ में आए कि कैसा है। वी हैव अ कॉलर विद अस, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, नाम बताइए, तारुफ करवा दीजिए, कहाँ से कॉल किया आपने? मरियम रानी फ्रॉम आजाद कश्मीर। अरे वाह वाह मरियम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? मैं ठीक हूँ अल्लाह का शुक्र है, आप कैसे हो जनाब? मैं मुनासिब सा हूँ, मजीद बेहतर हो जाऊंगा, कोशिश कर रहा हूँ मानी भाई के साथ, इसीलिए तो गुफ्तगु कर रहा हूं। तगदो जारी है, तगदो जारी है, यकीन जारी है। बताइए प्रोग्राम अगर आप देख रही हैं, हारमोनियम को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? जी माशाल्लाह बहुत अच्छा शो कर रहे हो, माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम जा रहा है। कहाँ जा रहा है ये? राइट साइड पे जा रहा है, लेफ्ट साइड पे जा रहा है? कश्मीर की तरफ आ रहा है। कश्मीर की तरफ आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। तुम्हारी भाई से रिक्वेस्ट करेंगे कुछ कश्मीरी भी प्ले करें। पता है क्या, सिग्नल का थोड़ा मसला है ना, तो रुक रुक के वीडियो आ रही है ना, क्योंकि टीवी तो मैं देखती नहीं है, मैंने मोबाइल पे डाउनलोड किया हुआ, तो फिर सिग्नल। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। ये देखिए, ये सुर सफारी से जो हमारे दोस्त मोहब्बत करते हैं, क्या बात है जी, मोबाइल पे एप्लीकेशन में देखते हैं। मैं यकीन आज मैं कहना चाहूंगी कि मैं टीवी बिल्कुल नहीं देखती हूँ, सिर्फ आपका शो देखने के लिए मैंने डाउनलोड किया हुआ है। वाह वाह वाह, क्या बात है। K2 टीवी, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, कायम और दायम रहे, इंशाल्लाह इसी तरह शो करते रहेंगे। और मेरे ख्याल से बर्थडे भी है K2 टीवी का ना। अच्छा, तो फिर आप कैसे विश करती है बर्थडे अगर होती है तो? हाँ, तो हैप्पी बर्थडे टू यू, अच्छा बर्थडे K2 टीवी, हैप्पी बर्थडे टू यू। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया। पसंदीदा गाना कौन सा पाकिस्तानी आपका? पसंदीदा, हाँ जी पसंदीदा सॉन्ग मुझे बहुत सारे हैं, लेकिन नुसरत फतेह अली खान का। बिल्कुल ठीक है, अभी हमने एक सुनाया, भी मजीद भी सुनाएंगे। बहुत शुक्रिया मरियम, आजाद कश्मीर से आपने कॉल किया, क्या बात है। मानी भाई आप ये देख रहे हैं कि ये जो मोहब्बत जो है, अभी क्या लेंगे, ब्रेक लेंगे। व्हाटएवर इट इज, लाइव फ्रॉम द कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान, सुर सफारी। आई विल सी यू ऑन द फ्लिप साइड, आई विल बी बैक।
ویلکم بیک, اور ویلکم بیک کہنے والی آواز جنید خان کے, میرے ساتھ میرے پیارے مہمان مانی, اور پروگرام سر سفاری. پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں اور اس دہیج پہ بریک کے بعد, مانی بھائی, کہ محبت میں انسان قدم زمین پر رکھتا ہے اور آہٹ جو ہے وہ آسمان پہ آتی ہے. جی جی, یہ جو سنگت ہے اتنی دوری اور قریبی کا, یہ سنگت موسیقی میں بھی ہوتی ہے. جی جی, اور وہ ہارمونیم پہ ہم نے دیکھا, آپ سے بھی سیکھا کہ جب سنگت ہوتی ہے تو اس میں بڑے معاملات ہوتے ہیں. جی جی, وہ ووکلسٹ ہو یا وہ تال ہو, ذرا اس کے بارے میں بتائیے کہ سنگت کیا ہے اور کس طرح سے ہوتی ہے. جی جی, سنگت جو مین جو سنگت کا مطلب ہے اس طرح ہے کہ اگر آپ سنگر کے ساتھ یا کسی گویا کے ساتھ, ہاں یہ لفظ جو ہے کسی گویا کے ساتھ یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, سنگر اور گویا میں ڈفرنس ہے. بالکل صحیح ہے. اور اس میں سنگت یعنی کہ ایک دوسرے سے مل کے کام کرنا. ٹھیک ہے, مزاج کو سمجھ کے. مزاج کو سمجھ, جی جی. اگر آپ کیسے سمجھتے ہیں مزاج, بڑا مشکل ہے. جی, مزاج بہت مشکل ہے. جیسے آپ دیکھ لیں ہارمونیم کی بات آج ہو رہی ہے, تو جیسے جس طرح بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہم کچھ سوچ کے آئے ہوئے ہوتے ہیں, تو آگے جو ہے طبلہ جو ساتھ اس کا پیئر ہے وہ کسی اور سر کا ہوتا ہے, اس سے بجانے کے لیے ہارمونیم کی پوزیشن چینج ہو جاتی ہے. اینٹ اور سوئی کی مثال آپ دے رہے ہیں. جو وہ سنگت کا مین جو ہے وہ اس طرح ہے کہ یہ ایک تشبیہ ہے, مثال ہے کہ اگر کوئی دوسرا اپنی مرضی سے اینٹ رکھ دے اور وہ کہے کہ اس کو ڈھونڈے, تو وہ بہت زیادہ اسی طریقے سے, اور سوئی جو ہے وہ تو پتہ ہوتی ہے میں نے کہاں پر رکھی ہے. جو ووکلسٹ آ کے آپ کو نارملی کہتے ہیں کہ بھائی دوسرا کالا رکھو, جی جی, کیمرہ مین سے ریکویسٹ ہے ذرا قریب آ جائیں, ان کے کلوز شاٹ میں دکھائیں دوسرا کالا کیسے رکھا جاتا ہے, یہ تھوڑا سا سمجھائیں بھی ہم ویورز کو بھی جو کس طرح سے. جی جی, یعنی کہ دوسرا کالا اونلی ون, ایک سر کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد آگے. جی جی, اگر اس میں آپ اگر کہہ سکتے ہیں جیسے ہارمونیم کی بات ہے, اس کو ہم ایسٹرن میں دوسرے کالے سے آپ کہہ دیں مجھے بھیم پلاسی بجائیں یا بھیروی بجائیں. بھیروی اگر بہت لوگ کہتے ہیں, اور لیکن جی 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 جی, عوامی طور پہ وہ ایسے یہاں سے نکلے ہوئے گیت جو لوگوں میں مقبول ہیں, کوئی گیت اگر ہمیں سنائے, فار ایگزامپل کیا بات, سنگ ہر شخص نے. انتر ہو جائے, مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے سنگ ہر شخص نے ہاتھوں پہ اٹھا. تو یہ ہارمونیم کے ساتھ ساتھ جو شاعری ہوتی ہے, چونکہ یہ انسٹرومنٹ غزل کے ساتھ بھی بڑا منسوب ہے. جی جی, تو کیا ذوق رکھتے ہیں خود شاعری کے ساتھ غزل کے ساتھ؟ جی جی, وہ اللہ جنت شیب کرے, میرے استاد جی فرماتے تھے, نام بتائیے, استاد شوکت منظور علی خان. جی جی, تو وہ فرماتے تھے پنجابی میں کہ ایک دوجے دا دوویں گہنا لگدیاں نے, شاعری تے موسیقی پینا لگ دیا پینا لگ دیا نے. واہ 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 واہ, ان کا اپس میں دوبارہ سکی, ایک دوجے دیا, ایک دوجے دا دو میں گینا لگ دیا نے, شاعری تے موسیقی پینا لگ دیا نے. کیا ان کا بڑا ریلیشن ہے. آپ دیکھ لیں جیسے بڑے بڑے شعرا ہیں جس میں پروین شاکر صاحب ہیں, مرزا غالب ہیں, استاد قمر جلالوی ہیں, وہ آپ دیکھ لیں کو بکو پھیل گئی بادشاہ. سر آپ نے پروین جی کا نام لیا, تو تھوڑا سا اگر تھوڑا سا میں میری ریکویسٹ اگر ہو سکتا ہے. جی جی جی, تھوڑا سا اگر پلیز
बात है, रिक्वेस्ट आना शुरू हो गया हमारे प्रोड्यूसर साहब की तरफ से एम एन कल्याण की, लेकिन वो जरूर होगा। अभी आप कह रहे थे कि वो कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया। बस यही गल चंगी है मेरे यार दी, बस यही बात अच्छी है मेरे हर जाए की। आपसे कभी कोई दूर गया? कौन कौन गया दूर जिंदगी में? बस दूर जाके सजना प्यारे याद आंदे ने। हां तो काफी सारे ऐसे रिश्ते हैं जो जिनके मुतबादिल कोई चीज नहीं है। अरे तो रिश्ते में एक बहुत अजीम रिश्ता आपके वालिद साहब का, और वो भी इससे मुंसलिक, थोड़ा सा उनके बारे में बताइए। जी जी, वो माशाल्लाह अल्लाह उनको जिंदगी दे। वो क्योंकि वो म्यूजिक का नहीं करते, क्योंकि हम मिर्जा फैमिली से, आपको जी, बताया जी, 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 बिल्कुल। फैमिली में मैं खुद करता हूँ, तो अल्लाह जन्नत नसीब करे, मेरी वालदा ने मुझे सपोर्ट किया शुरू में कि छुप के कर लो, तो मैंने किया। तो मेरी आजाना इल्तमास है आपसे, एक बात अगर इजाज़त दें मैं व्यूवर से करना चाह रहा हूँ, कि क्योंकि ये मेरे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि मेरे पाकिस्तान में ऐसे आर्टिस्ट भी हैं, इतने बड़े लोगों के साथ आपने काम भी किया, फिजिकल चैलेंजेस भी हैं आपको जी जी, उसके बारे में बताइए कि उसके साथ साथ रहते हुए ये कैसा आसान था ये सब कुछ करना? बहुत मुश्किल, देखे ना, क्या चैलेंजेस हैं आपको ज़रा खुद बताइए दोस्तों को। बहुत चैलेंजेस हैं, देख लें कि हमारे यहाँ पर सबसे पहले फैसिलिटी व्हील चेयर की नहीं है। हाँ। उसके लिए भी मुझे मैन की ज़रूरत है। हाँ। हेल्प की ज़रूरत है। हाँ। स्लाइड्स नहीं है, और ये फेस करना बड़ी मुश्किल है। और म्यूज़िक जो है वो मैंने बड़ी मुश्किल से सीखा है, इस स्टेज पे पहुंचने के लिए काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी मुझे, पर अल्लाह की मेहरबानी से, टास्क तो नहीं कह सकता पर अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो अकेडमी चला रहा हूँ, काफ़ी स्टूडेंट है मेरे। कहाँ पर अकेडमी चला रहे हैं सर आप? जी अकेडमी रावलपिंडी में, असगर माल के राउंड अबाउट एक एरिया है, तो वहाँ पर अकेडमी चला रहा हूँ। तो असल ये है कि मेरी एक काफ़ी चैनल्स पे मैंने रिक्वेस्ट की है कि अकेडमी जो है ना, वो जो भी आप टीचर हायर करते हैं किसी डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट के, तो कम से कम उसको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ म्यूज़िक। क्योंकि म्यूज़िक में ठीक है, एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है, पर म्यूज़िक की एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ म्यूज़िक। क्या बात के म्यूज़िक क्या है? म्यूज़िक जैसे मैंने आपको अभी प्रवीण शाकिर साहिबा की गज़ल सुनाई, कू बकू फैल गई बादशाह, ये राग दरबारी में है, सावरी ठाट कर आ गई। अच्छा। और जैसे पहले मैंने कवाली सुनाई, वो शिव कल्याण है, खमाश ठाट कर आ गए। अच्छा। उसके बाद मैंने आपको जब से तूने मुझे दीवाना, ये लखनवी भैरवी, मैंने उसमें मिशर मेल किया, यानी मिशर मेल कहा जाता है दूसरे राग को उसमें अमेजिश मिलाना, वैसे वो बैरवी में आपदा परवीन साहिबा का वो उन्होंने परफॉर्म किया है, वो जब से तूने मुझे, वो बैरवी ठाठ भी है, बैरवी राग भी है। इस तरह सीखना को बुरी बात नहीं है, पर सीखना अगर बुरी बात नहीं है तो सिखाए कौन? क्या बात,
ہجر کی شب میں قید رکھے, دوستوں غور سے سنیے گا, ہجر کی شب میں قید رکھے یا صبح وصال میں رکھے, اچھا مولا تیری مرضی تو جس حال میں رکھے. حال کی بات ہو رہی تھی, ان کا حال آپ نے دیکھا کہ کتنا خوبصورت حال ہے ڈسپائٹ آف دا چیلنجز جو یہ فیس کرتے ہیں. انہوں نے بتایا کہ ہمارے یہاں پر جب میں کہیں جاتا ہوں تو میری ویل چیئر کا وہاں پر جانا بہت مشکل ہوتا ہے. میری آپ سے التماس ہے کہ جہاں بھی ہاسپٹلس میں, اسکولس میں, کالجز میں, جہاں جہاں پہ ہم رہتے ہیں, کوشش کریں کہ ایسا انتظام ضرور ہو کہ ویل چیئر پہ جب کوئی آئے تو وہاں پہ ان کے لیے ٹریول کرنا ایزی ہو. دوسرا, ان چیلنجز کے ساتھ ساتھ میوزک کی کتنی نالج, کتنی سمجھ, کیا کچھ ان کے اکیڈمی کو جوائن کرنا ضرور بنتا ہے. اگر آپ راولپنڈی اسلام آباد سے تعلق رکھتے ہیں ضرور جوائن کیجیے گا, یا آپ ان کے انسٹاگرام ہینڈل کے بارے میں انفارمیشن ہمارے کے ٹو ٹی وی کی جتنے بھی چینلس اس پہ سوشل میڈیا پلیٹفارم پر آ سکتی ہیں. ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ اتنا نالج, اتنا ماشاء اللہ گرپ, ہم سب لوگ یہاں محظوظ ہو رہے ہیں. اس فیلڈ سے جو منسلک لوگ ہیں, آپ کو تو خیر جو چیلنجز ہیں, مجھے پرسنل لیول پر چیلنجز ہیں, اس فیلڈ سے ریلیونٹ جتنے لوگ ہیں ان کو کیا کیا چیلنجز ہیں؟ کی بورڈ آ گیا ہے, سافٹ ویئرز آ گئے ہیں, چیلنجز ہیں یا نہیں ہیں؟ نہیں نہیں بالکل چیلنجز ہیں, پر دیکھیں کی بورڈ بھی شروع سے ہے. وہ جیسے ویسٹرن انسٹرومنٹ ہے, جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں آپ ابھی فرما رہے تھے کہ دوسرا کالا, جی ہاں, تو جب کی بورڈ یا گٹار آ جائے گا تو آپ اس کو ای فلیٹ کہیں گے یا ڈی شارپ بھی کہیں گے, تو وہ ذرا آسانی ہو جاتی ہے, مشکل ہے وہ بھی. اس میں ہم 12 سروں کو یوز کرتے ہیں, اچھا, یعنی کہ 12 سروں کی مجموعہ ترتیب ایسٹرن میں, اور ہم اس کو ویسٹرن میں کرومیٹک سکیل کہیں گے. کرومیٹک سکیل کہتے ہیں اس کو, ہارمونیم میں یوز نہیں ہوتا کرومیٹک سکیل. ہارمونیم تو کیونکہ ہارمونیم سب سے پہلے ہارمونیم جو ہے وہ ایک انسٹرومنٹ ہے جو قوالی میں یوز ہوا ہے. حضرت امیر خسرو نے کافی قوالی کے تھوڑی سی اگر کافی اگر تھوڑی سی وہ پروگرام سے پہلے ہماری کافی کی بات ہو رہی تھی, آپ نے کہا تھا کہ میں سناؤں گا. جی جی, وہ کافی دیکھے نا جی, کافی استاد سلامت علی خان صاحب نے گائی. یاد کیا ہے جی؟ سوری, آپ جی جی استاد سلامت علی خان صاحب جو میرے دادا استاد بھی ہیں, گریٹ گرینڈ ٹیچر, ارے واہ, تو انہوں نے کافی گائی. اور کافی میں یہ کیونکہ کافی کی سنگت جو ہے وہ سورنگی میں ہوتی ہے, سورنگی پہ ہوتی ہے. جی جی, اس میں میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو کرومیٹک سکیل کے اس طرح تو نہیں, پر ایک کوشش آپ کو وہ نظر آ جائے کہ کس طرح وہ ایک گلے کی طرح ہارمونیم میں. ادھر آپ مشکل کام ہے تو میں تھوڑا سا مشکل کام جیسے آپ یوز ہوئی ہے, میں نے تو آپ کو پہلے بتایا اس کا اسکیچ آپ کو نظر آ جائے گا. تو یہ کرومیٹک اسکیل میں یوز ہوئی ہے اور مشکل لوگ تھے آج کل. آپ میں اتنا زبردست, اور میں ریکویسٹ کروں گا ہماری سوشل میڈیا کی ہماری ٹیم سے کہ اس شارٹ کو, اس کلپ کو ضرور اپلوڈ کیجیے گا تاکہ مجھ جیسے جو چھوٹے سے اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس کو بار بار سن سکیں, محسوس ہو سکیں. ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ ہمارے دوست ہمیں میسیجز بھیج رہے ہیں, ان کے کچھ نام لے رہا ہوں, آپ تک ان کے پیغامات پہنچا رہا ہوں. ایشال نے میسیج کیا جی لاہور سے, مونا ملتان سے میسیج انہوں نے کیا ہے, آپ کے علاوہ کامران لاہور سے ہیں, توصیف صاحب ہیں, وحید تنولی صاحب ہیں, اور راحیل ہری پور سے ہے. راحیل نے ریکویسٹ کی ہے بہت عاجزانہ, کہتے ہیں تمہیں دل لگی بھول جانی پڑے گی ضرور ہونا چاہیے. اگر میں آپ سے اجازت کروں, ریکویسٹ کروں, جی جی آپ کی, لیکن سوری لیکن چونکہ وقت آ چکا ہے آپ سے چھوٹی سی شارٹ کمرشل بریک کا, آئی ول سی آن دا فلپ سائڈ, آئی ول بی بیک.
वेलकम बैक एंड वेलकम बैक कहने वाली आवाज चुने थान की प्रोग्राम सुर सफारी. मेहमान हमारे साथ हैं नौमान मानी. और मोहब्बत की दुनिया में जलवा महबूब के सवा कुछ भी नहीं. और ये जलवा जब हो जाता है तो सब चीज़ें साकित हो जाती हैं, वक्त थम सा जाता है. हमारे लिए भी वक्त थमा जब हारमोनियम का रचा और रचा. और इससे कबल हम बात कर रहे थे, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेजेस कर रहे हैं, आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं मानी से कि क्या आप सुनना चाहते हैं. तो हरिपुर से जो रिक्वेस्ट आई, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो. दोस्तों, रात की भीगी भीगी छतों की तरह जब बारिश हो जाती है तो भीगी भीगी छतों की तरह मुझे लग रहा था कि मेरी पलकों पे भी थोड़ी थोड़ी सी नमी आ जाएगी. लेकिन फिर मौलाना रूमी की बात मुझे याद आई कि यू वर बॉर्न विद विंग्स सो व्हाई डू यू प्रेफर टू क्रॉल. उसकी एक जिंदा जावेद मिसाल जो है वो मानी हमारे सामने है कि ऐसे पर रब्बुल इज़्ज़त ने इनको अता किए हैं कि इनके लिए चलना पहले शायद दुश्वार होता होगा, अब तो उड़ते हैं आप. और हम सब आपके साथ साथ उड़ रहे हैं उन फिजाओं में जहाँ पे महका है, महकती हुई फिजाओं में जिनको महकाते हैं आप अपने सुरों से. गजल का भी हमने जिक्र किया, गुलाम अली साहब की. कोई एक चीज अगर आप हमें सुनाना चाहें, मेरी रिक्वेस्ट है, अगर कुछ याद आपके जहन में आ रहा है. जी जी, मैं सुना देता सर, प्लीज. Thank you.
غافل کے لیے ساری دنیا حجاب ہے دوستوں, غافل کے لیے ساری دنیا حجاب ہے اور جاگنے والوں کے لیے دنیا انکشاف ہے. یہ انکشاف تب ہوتا ہے جب ہم جاگتے ہیں, آنکھیں کھولتے ہیں, اور آنکھیں کھلتی ہیں جاگا جاتا ہے ایسی موسیقی سنتے ہوئے. اور جب وہ مانی ہمارے ساتھ موجود ہو تو کیوں ہم کیسے ہم نہ جاگیں. آپ نے ہمیں زبردست طور پر جگایا, موسیقی کی دنیا میں آپ ہمیں لے کر گئے جہاں پہ ہم ایسے جاگے کہ صبح رہی ہے, شام نہیں ہوئی ابھی تک. وقت بھلے یہ کہہ دے کہ 9:30 بجے پروگرام ختم ہوگا, لیکن ہمارے مزاج, ہمارے حال اس وقت وہ ایسے ہی ہیں جیسے مہکتی ہوئی صبح ہے. تو یہ بتائیں کہ غزل کا آپ نے ذکر کیا, فرمائش کافی ساری آ رہی ہے. ہمارے پروڈیوسر صاحب کی ایک فرمائش, اگر میں آپ سے درخواست کروں کہ سانسوں کی مالا پہ سمروں میں پی کا نام, جی ٹھیک ہے, اگر جی عنایت ہو. سانسوں کی مالا پہ سمروں میں, آپ نے اس مالا پر کیا کیا موتی پروئے ہیں آج تک, سوچی پیاتے بندہ گیا ہے. یہ بتائیں کہ زندگی میں اور کیا ارمان ہے, کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ بس کچھ ٹارگیٹ ہیں کہ وہ ایک مثال بڑی اچھی ذہن میں آئی کہ ایک صاحب جو ہے نا وہ دیسی گھی سیل کر رہے تھے. اچھا, تو انہوں نے کہا جی پلیز لے لیں, کہا اردو میں آپ لے لیں یہ بڑا اچھا ہے. ٹھیک ہے, تو میرے ساتھ ایک ہمارے طبلہ پلیئر ہیں, لیجنڈ ہیں, جاوید حسین جی صاحب. جی صاحب جی, میں نے ان سے پوچھا یہ استاد جی یہ لے لوں ان سے, کہتے ہیں ریٹ کیا ہے؟ میں نے ان کو بتایا کہ یہ تقریباً 1100 یعنی 1100. ٹھیک, انہوں نے کہا کبھی 1100 کا نہیں مل سکتا اصل. اچھا, تو اسی طرح میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جو میرے نوٹس میں لوگ ہیں نا, کہ میرا جو ٹاسک ہے کہ میں ان لوگوں تک پہنچ جاؤں. اچھا, جہاں ہونا چاہیے, جن کو پتا ہو کہ دیسی گھی 1100 کا نہیں ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی بیچتے جو دیسی گھی نہیں ہوتا, بلکہ شاید وہ گھی نہیں ہوتا, پھر بیچتے وہ دیسی گھی کے بھاؤ ہیں, ان کا کیا کریں؟ بس وہ جدوں ہوئے گا حساب ادھر دیکھ لیں گے. اچھا, کیسا لگتا ہے کہ بہت سارے آرٹسٹ اسٹیج پہ چڑھتے ہیں, پرفارم کرتے ہیں, اترتے ہیں بڑی بڑی لائٹس میں, لوگ آٹوگراف کے لیے آتے ہیں, بڑے بڑے چیکس ملتے ہیں, بڑی بڑی پیمنٹس ہوتی ہیں. جی جی, آپ کو اس طرح سے ٹریٹمنٹ نہیں ملتا؟ جی, بس میں نے آپ کو ایک بات بتا دوں, مجھے راؤنڈ اباؤٹ
20 ईयर्स हो चुके हैं रावलपिंडी में. अच्छा. हारमोनियम प्ले करते हुए संगत भी की, फिर सिंगिंग भी की, क्लासिकल सीखा अच्छे तरीके से. और आप बिलीव कर लें कि मुझे पीएनसी और लोक विरसा में कोई नहीं जानता. अरे अच्छा. और आप देख लें कि अगर आप स्पेशल लोगों में देखें तो शायद हम पाकिस्तान में 2 या 3 लोग कर रहे हैं. अच्छा जी. अच्छा पूरे पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में एक वो ब्लाइंड है आलिया रशीद, वो कर रही हैं. एक फैसलाबाद से गुलाम अब्बास हैं, और एक तो 3 लोग पूरे पाकिस्तान में हों तो उनको कोई ना जानता हो. तो फिर वही गल जो होगा हिसाब देख लाने. ये मेरे लिए बड़ी करब की बात है, बड़ी तकलीफ दे बात है. अगर अगर आपको भी इस तकलीफ का एहसास है तो हमसे ज़रूर रब्ता कीजिए और हमारे ऐसे आर्टिस्ट को, टैलेंट को प्रमोट कीजिए. आप अपने इवेंट्स पे बुलाइए, जहाँ जहाँ पे जो जो भी रुतबा आपका ज़िंदगी में है, जैसे जैसे इनको सपोर्ट किया जा सकता है वो ज़रूर आप कीजिएगा. अभी मैं कुछ देर पहले मैसेजेस नोट करता, हबीब साहब ने, हबीब सुल्तान ने गुजरात से मैसेज किया है, तौसीफ साहब ने लाहौर से मैसेज किया. बाजू बंद खुल खुल जाए, इस तरह का कुछ है वो आप सुना सकते हैं हमें? जी ये भैरवी राग की ठुमरी है. तो जरा प्लीज थोड़ी सी ठुमरी हो जाए. मेरे बड़ी, मुझे ठुमरी बहुत पसंद है, थोड़ी सी आपसे आजाना रिक्वेस्ट है. अब इससे कबल कि आप ये प्ले करेंगे, मैं आप लोगों से इजाजत तलब करता हूँ. दिल काले कुलू मुंह काला चंगा, जे कोई इस नु जाने, इस पर आपसे इजाजत लेने वाली आवाज है जुनैद खान की. आपसे नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी. मानी Thank you.